Dada! Hug him for that. You can't cut again. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, तो आज है हमारा 6 रोज़ा और आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी चाट मैंने जो है ना आज रोज़े में जो है ना इफ्तार के लिए बनाई है। बहुत मज़े की बनी, बहुत अच्छी बनी और मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने जो है ना, मेरे पास कैन वाले चने थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे, थोड़े से और नरम कर लिए थे। उसके अलावा मैंने जो है ना दही बना लिया था। दही को मैंने बिल्कुल भी पता नहीं किया था, बस दही जो गाढ़ा था उसी के अंदर मैंने बिल्कुल हल्की सी चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी चीनी डाल के उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। अब छोलों के ऊपर मैं एक हल्की सी लेयर जो है ना वो योगर्ट की लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये अनियन को चॉप करके रख लिया था और जो है ना बारीक बारीक चॉप किया था और उसको मैंने भिगो दिया था पानी में और उसको अच्छे से धो के इसकी जो अनियन की तिखास होती है ना वो निकाल दी मैंने। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फुल्कियाँ जो है ना वो भिगो दी थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। और उसके अलावा ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चटनी मैंने फ्रीज़र करके रखी थी, दो क्यूब्स मैंने निकाल ली और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना अब मेल्ट हो गई है। तो अब ये वाली चटनी जो है मैं थोड़ी थोड़ी सी उसके ऊपर डाल दूँगी फुल्कियों के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दी। उफ अल्लाह, इतना मज़ेदार लग रहा था ना बनाते हुए, तो जो है ना कि बस सब्र ही नहीं होता कि जल्दी से इफ्तार हो और जल्दी से मैं इसको खा लूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दी। अब सब चीज़ें डल गई तो एक लेयर ऊपर से दोबारा मैं जो है ना इसकी जितना भी योगर्ट अब बच गया था वो मैंने सब ऊपर डाल दिया है। और इसके अलावा फिर जो इमली की चटनी है और उसके अलावा जो फिर ग्रीन चटनी है वो सब जो है ना मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी और उसको अच्छे से जो है ना हम लोग गार्निश कर लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे मज़ेदार सा। और बस ये इतनी इजी थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है ना ये चने मैंने रमज़ान से पहले किसी और चीज़ के लिए बॉईल किए थे, लेकिन वो चीज़ फिर मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने इसको जो है ना थैली में डाल के फ्रीज़र कर दिए थे एंड उसके बाद मैंने अब निकाले तो ये अब काम आए ना। तो ये जो है ना बस इतना ईजी था कि हमने छोले डाले, उसके ऊपर जो है ना हमने थोड़ा सा दही डाला, फिर थोड़ी अनियन डाली और फुल्कियाँ डाली और जो है ना दोबारा से ये हमने दही डाल दिया, चटनी डाल दी इमली की और दोबारा से हमने ग्रीन चटनी डाल दी। तो आप देख सकते हैं उफ अल्लाह कितना मज़ेदार, इतना मज़ेदार लग रहा है। और अब आ जाते हैं पकौड़ों की तैयारी पे। तो मैंने इस दफ़ा जो है ना ये गोल गोल जो है ना पकौड़े काटे थोड़े मोटे मोटे और इनको मैंने हल्का सा जो है ना ऑयल में फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको बेसन में फ्राई करूँगी। कहाँ बैठी हूँ? I wonder what this. Oh, it has orange. Read. Measurable. तेज़ से पढ़ो. ये क्या लिखी हुआ है? मगरिब सला. हाँ? मगरिब की नमाज. और अभी टाइम भी अभी इफ्तारी करके उठे हैं, चलो जाओ. हाँ? Go. मगरिब की नमाज पढ़ो, लिखा है इसके अंदर. तो अभी करो. Yes, क्योंकि टाइम है मगरिब का. निकाल दो, हम दूसरे में डालेंगे. ये कहाँ खड़ा गया भैया? नाराज हो गया तुम? भैया का गुस्सा देखो कैसा होता है. ओले वाह भाई, भैया कहाँ खड़े हो गए हैं.